हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की मोटर का कनेक्शन आप देख लो। पहले U1, V1 और W1, और ये U2, V2, W2, ये तीन वाइंडिंग्स हैं। ये सबसे ऊपर वाली वाइंडिंग है, ये दूसरे नंबर की वाइंडिंग, और ये तीसरे की। ये हमारे पास कॉन्टैक्टर से फॉरवर्ड का, रिवर्स का, डेल्टा, टाइमर और स्टार का, ये चार कॉन्टैक्टर इसमें यूज आएंगे। अभी कोई वायरिंग नहीं है, जैसे मैंने बोर्ड में बताता जाऊंगा वैसे वैसे ये वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारे टर्मिनल्स हैं मोटर के, जो तार हैं, देखो ये तार हैं, ये तार हैं, देख रहे हो, ये तार हैं, हमने यहाँ पे कनेक्टर पे लेके आ गए। ये तार आ रही है और ये तार आ रही है, और अब ये कनेक्शन पूरे कॉन्टैक्टरों के कनेक्शन होंगे। इन कनेक्शंस को अभी हम करते हैं, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बताता जाऊंगा वैसे वैसे कनेक्शन कर ले, ठीक है ना। अब चालू कर दो आपसे। आज हम थ्री फेस मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिवर्स फॉरवर्ड पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट और मोटर को चलाना पूरा बताएंगे, ठीक है। पहले पावर की वायरिंग करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ पावर की वायरिंग के लिए ये केबल हमारे पास अवेलेबल है। ये देखो, ये ब्लू है 2.5 square mm में, और ये दिखाओ, ये हमारी रेड है, और एक बंडल और होगा ये येलो। तीन बंडल हमारे पास वायरिंग के लिए, पावर के लिए अवेलेबल। अब यहाँ पे देखो, अब आप समझ लो, इधर ध्यान दो। अब ये वाइंडिंग है, तीन वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है U1 और ये V1 और V2 और W1 और ये W2। ये तीन वाइंडिंग है, इन तीन वाइंडिंग का कहां है, पहले पावर सर्किट बनाए, पावर सर्किट, फिर कंट्रोल सर्किट, वायरिंग पूरी, और फिर मोटर को रन का प्रैक्टिकल करें, मोटर रन रनिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हमने क्या करा, तीन फेज ली, एक दो, मानो आर वाई, और अब स्टार डेल्टा में जो वायरिंग होती है उसमें तीन कॉन्टैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार डेल्टा में क्या है, या रिवर्स फॉरवर्ड क्या है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगेंगे चार। अब यहाँ से हम क्या है कि दो कॉन्टैक्टर लेंगे मेन के, एक दो और तीन। मैंने क्या करा, इधर कनेक्शन किया, इधर किया और इधर किया। आप सभी लोग बना रहे हो ना, मेरे साथ साथ सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने तीन तार ली, ये क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, आर वाई और बी, ये क्या सीक्वेंस हुआ, आर वाई बी। ऐसे ही हमने सी ए कॉन्टैक्टर और ले लिया, तो ये जो है ना फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है और ये रिवर्स, ठीक है ना, दो कॉन्टैक्टर लगेंगे। तो फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर से हमने क्या किया, जैसे आर वाई बी का सीक्वेंस है, इधर भी हमने आर वाई बी का सीक्वेंस ले, ठीक है ना, आर को आर से जोड़ दिया, ये आर बना दिया, और ये हमारा दूसरा है वाई वाई, और ये तीसरा मतलब R Y V, और इधर भी हमारा R Y और ये बिल्कुल कॉमन। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वायरिंग पावर की फटाफट करते जाऊं, ठीक है प्रदीप। अब ये हमारे R Y और V, यहां से हम क्या करेंगे, आगे कनेक्शन बनाएंगे। आगे कनेक्शन जो हमने बनाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सीक्वेंस को आर वाई बी रखो, या ऊपर के सीक्वेंस को चेंज करके इधर के वापस एज इट इज कर दो। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऊपर चेंज करना चाहते हो तो आर को वाई और बी को इंटरचेंज कर देना, और नहीं तो ऐसे रहने दो, आर वाई बी आर वाई। अब क्या करना है कि ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन हम दोनों का आर से आर जोड़ देंगे, जो आर है ना आर। तो यहां पे हम क्या करेंगे,
ये कनेक्शन R का हमने क्या जोड़ दिया, R से, और Y को लिया और B को लिया, तो Y को हमने यहां लिया। अब ये जो है ना Y, ये जुड़ेगा B से, ठीक है ना, और हमारा जो B है, B B कौन सा था, Y। अब देखो सीक्वेंस हमारा, अगर मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन करता हूं, अगर मैं इस कॉन्टैक्टर को करता हूं फॉरवर्ड को, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन करने से जो सीक्वेंस आता है वो आता है आर वाई और, अगर मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करता हूं तो सीक्वेंस आता है आर बी वाई। बोलो यहां तक क्लियर है ना। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप नीचे चेंज करो या ऊपर चेंज कर लो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते, ठीक है ना। अब ये जो फाइनल सीक्वेंस निकल के आया, ये क्या है हमारा फाइनल। अब हम यहां पे लेंगे डेल्टा कॉन्टैक्ट, कौन सा, ये तो मेन था फॉरवर्ड रिवर्स के, ये कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा है, और लास्ट में आएगा वो स्टार का है, लास्ट में क्या आएगा स्टार कॉन्टैक्टर। स्टार कॉन्टैक्टर में हमने स्टार पॉइंट बना दिया, जिसमें यू वन यू टू को यहां जोड़ दो, स्टार पॉइंट पे आपने डायरेक्ट जोड़ दो, यू टू वी टू और डब्ल्यू टू को हमने क्या किया डायरेक्ट, ये स्टार पॉइंट हमने यू टू वी टू डब्ल्यू टू को क्या बना दिया, स्टार पॉइंट बना दिया, स्टार बन गया। यू वन वी वन डब्ल्यू वन को हमने सप्लाई दे दी, तो ये जो आर फेस है ये हमने यू वन को दे दिया, और वाई फेस हमने लिया और ये वी वन को दे दिया, और जो वी फेस है, या फिर मैं थोड़ी सी वाइंडिंग को खिसका देता हूं तो इजी कनेक्शन यहीं पे आ जाएगा, तो मैं थोड़ी सी वाइंडिंग को आगे खिसका देता हूं हल्का सा, तो उससे क्या है ना कनेक्शन यहां पे आ जाएगा, ये टर्मिनल लास्ट कर देता हूं इसको, और ये तीसरी वाइंडिंग, ठीक है, U2, V2 और W2 ये बना लिया, और ये U1, V1 और, अब हमने क्या किया R फेस, R फेस को दे दिया U1, दे दिया, और जो Y फेस आ रहा है, Y या B बदल के जो भी आ रहा है वो अपने कहां दे दिया V1 पे, और जो लास्ट में था वो दे दिया। ये तीन कनेक्शन आप, ठीक है, ये तीन कनेक्शन हो गए हमारे मेन के, फॉरवर्ड ऑन कराओ चाहे रिवर्स कराओ, ये दो कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन हमारा हो गया, ठीक है। अब आता है डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन में करने के लिए जो सीक्वेंस हमारा आर है, आर को तो अब तार ना ऊपर से हम नहीं लेंगे, हम तार लेंगे अब यहां से, अब ध्यान रखना डेल्टा के, डेटा के लिए जो वायर उठेगी अब यहां से उठेगी, तो ये तार हमने ली, ये ले ली आर आई, और ये जो है ना हमारी वायर कौन सा हो गया आर पे, कौन सा फेस हो गया आर, ठीक है। तो डेटा में क्या होता है कि ये दोनों फेस आर को हम चेंज नहीं कर रहे कहीं भी, आर हमारा यहां भी सेम आर है, आर में कोई चेंज नहीं है। ये जो कनेक्शन आपने करने, जैसे मैंने किए ना पावर के, वैसे ही मुझे करके आपने दिखाने, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो वाई है उसको मैंने उठा के ले लिया यहां पे, और जो लास्ट में बी है इसको मैंने ले लिया यहां, ठीक है ना। तो ये तीनों कनेक्शन हमारे, अब यहां पे जो कनेक्शन ये आ रहा है यहां पे कनेक्शन, अब स्टार में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बात आती है डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में तो सीधा है,
कि आर फेस यू वन और वाई फेस वी वन और जो बी फेस ब्लू फेस है वो अगर फॉरवर्ड चला रहे तो है ना और रिवर्स चला रहे तो आर फेस यू वन बी फेस बी वन और वाई फेस स्टार है ना मतलब आर वाई बी और आर बी वाई ये फॉरवर्ड में और ये रिवर्स और यू टू वी टू डब्ल्यू यू टू को वी टू को और डब्ल्यू टू तीनों को क्या कर दिया हमने शॉर्ट ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन बोलो क्लियर है अगर अब हमें करना है डेल्टा तो आर को हम कोई चेंज नहीं कर रहे अभी भी कोई चेंज नहीं है आर को अब हमें चेंज करना है तो यहाँ पे अगर हमको डेल्टा कनेक्शन करना है कौन सा कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन करना है तो हमारा जो आर फेस है ये जो तीन तार है एक दो तीन अब मैं इनको बना देता हूं एल वन एल टू और एल इनको नाम दे दिया एल वन एल टू एल मैंने आर वाई भी छोड़ के इनको क्या दे दिया एल वन एल टू एल थ्री तो एल वन ये एल वन और ये एल टू और ये एल थ्री नाम दे दिया अब डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा हमारा कनेक्शन कैसे होगा यू वन का कनेक्शन किससे होगा पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी का आखिरी यू वन वी टू इसमें क्या जाएगा एल बोलो हमने एल वन एल टू एल थ्री नाम रख दिया क्योंकि आर वाई बी में कंफ्यूजन हो जाएगा आगे दूसरी पहली वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा बी वन डब्ल्यू टू दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग के आखिरी सिरे से कनेक्ट सेम फेज जाना चाहिए तो क्या जा रहा है एल टू और तीसरा जो एल थ्री है तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा और पहली वाइंडिंग के एल थ्री जाएगा वो जाएगा डब्ल्यू वन और इसका मतलब है कि हमारा जो एल वन है ये फेज हमारा जाना चाहिए U1 और V2 ये फेज हमारा U1 पे जा रहा है और V2 ये है इस पे जाना चाहिए इसका मतलब इस तार को हम बोलो अब देखो L1 ये हमारा L1 है ना ये ऐसे जा रहा है इधर U1 पे इधर V2 U1 पे और L2 L2 जा रहा है V1 पे L2 कहाँ है V1 यही L2 यहां से घूमता हुआ और कहां जाएगा W2 कहां है ये बोलो W2 पे गया और L3 W1 U2 तो L3 ये है L3 W1 और यू टू कहा है ये हमारा पावर सर्किट का ड्राइंग तैयार हो अब आप लोग बना लो ये देखो हमारा तीन फेस आए अब ये मेन सप्लाई आ रही है तीन फेस ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्ट है और ये रिवर्स का कॉन्टेक्ट है तो ये तीन तार आए तो मैंने क्या बताया था आर फेस इधर है आर इधर है वाई आए तो वाई आए और बी आए तो बी आए जिस सीक्वेंस में आर वाई बी में है इधर भी आर वाई बी रखा चेंज यहाँ करेंगे यहाँ पे आर को कोई चेंज नहीं किया आर हमारा यू वन पे चला गया ठीक है वाई को बी के साथ की देखो वाई वाई देखो ये जो वाई है ना वाई वाई को हमने इधर कर दिया है अब देखो ना वाई यहाँ बीच में है और वाई अब इधर है और ब्लू हमारा यहाँ है अब ये इधर बीच में आ गया अब इतने तार हमारे मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स इसकी वायरिंग हमारी पावर की हो चुकी है ये देख रहे हो
यहाँ पे आ गई और ये मोटर को जा रही है, ठीक है ना। चल आगे की अब करते हैं, इधर आर को रहने दो, वाई और बी को इंटरचेंज कर। यहाँ वाई आ रहा है, बट अगर इस कॉन्टैक्ट को ऑन करते हैं तो इस पे बी आए, ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा फॉरवर्ड का तो वाई आएगा, रिवर्स का होगा तो बी आए। और यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो बी आएगा, रिवर्स कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो वाई आएगा। देख रहे हो ना, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवर्स फॉरवर्ड दो कॉन्टैक्टर करने से हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या करा, L1, L2, L3 तीन डिफाइन कर लिए। क्या कर लिए, L1, L2, L3। अब इन तीनों को हमने बना दिया, L1 दे दिया U1 पे, U1 B2 से जुड़ना चाहिए, तो यही L1 डेटा कॉन्टैक्ट के थ्रू और सीधा B2 से जुड़ गया। L2 हमारा W1 पे, L2 कहाँ है, V1, L2 V1 पे, ये L2 V1 से W2 पे जाना चाहिए कनेक्शन। तो W2 पे जाने के लिए यहां से होता हुआ सीधा W2, और L3 W1 पे है, यही L3 हमारा यहाँ से होता होगा U। ये हमारे कनेक्शन पावर के हो गए। अब हम इसका कंट्रोल सर्किट डिफाइन कर लें। हमें ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले लगानी है, तो ओवरलोड रिले हम यहाँ पे जो L1 L2 L3 बनाया है ना, यहाँ पे OLR हम लगा देंगे, ठीक है ना। OLR हमें लगानी है, अभी ये विदाउट OLR बना। अब मैं कंट्रोल सर्किट इसका बना लेता हूँ, इसे मिटा दूँ, इसकी आवश्यकता तो नहीं है। क्लियर है ना सबको, ठीक। अब मैं इसका कंट्रोल सर्किट बनाता हूँ, चलो वायरिंग करो। जैसे मैं कंट्रोल सर्किट बनाता हूँ वैसे ही आपने वायरिंग करनी है, ठीक है ना। कंट्रोल सर्किट में हमने क्या करा, एमसीबी लगा, ये हमने ले लिया फेज और एमसीबी लगा के इधर ले लिया। हमेशा आपने एमसीबी जरूर लगानी है, कंट्रोल सर्किट हो चाहे पावर सर्किट हो। पावर में एमसीबी हमने दिखाई नहीं थी, लेकिन वहां भी एमसीबी आपने लगानी है। मान लो कोई भी एम्पियर इंक्रीज होता है, कुछ भी है, तो वो ट्रिप कर जाए, इसीलिए एमसीबी जरूरी है। एमसीबी लगाने के बाद इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। अब क्या है कि ओवरलोड रिले होगी, जो कि हमने अभी पावर सर्किट में नहीं लगाई थी, बट लगानी होती है। तो ओएलआर हमने क्या करा, इमरजेंसी लगा रहे हो, ओएलआर है, ठीक, ओएलआर ओवरलोड रिले लगा। ये क्या है हमारी, ओवरलोड रिले। ओएलआर लगाने के बाद हम आगे कनेक्शन लेके जा रहे हैं। ओएलआर लगाने के बाद, ओएलआर के बाद हम देंगे स्टॉप पुश। ये हमने क्या दे दिया, स्टॉप। स्टॉप में क्या होता है, पत्ती नीचे को आएगी और इस पर नंबर कितना होता है, और ओएलआर पे कितना होता है, 95 और 96। ये कनेक्शन करना है 95 96 से निकला एक नंबर पे, और ये तार की जरूरत नहीं है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि हमारा चाहे स्टार चले, चाहे हमें फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, कट ऑफ यहीं से होना चाहिए। तो हमने स्टॉप बटन यहाँ दे दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉरवर्ड चलाएंगे। ये क्या का कॉन्टैक्ट है, तो फॉरवर्ड का स्टार्ट बटन है ना, तो फॉरवर्ड की स्टार्ट बटन से फॉरवर्ड के कॉन्टैक्ट की क्वाइल, और इसको हमने क्या करा दिया, बोलो। अब जब फॉरवर्ड में अगर हम ऑन करा लेते हैं कॉन्टैक्ट को, फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्ट को ऑन करा दिया, तो उस समय रिवर्स ऑन नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर रिवर्स का भी ले लेते हैं फॉरवर्ड के साथ, ये कॉन्टैक्टर का है क्या है, और इसको भी होल्ड करा दो, और इससे रिवर्स की कॉइल ऑन, क्या ऑन करा दी, रिवर्स की। यदि हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन है तो उस समय रिवर्स ऑन नहीं होना चाहिए, ये सेफ्टी हमको लेनी। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का एनसी इधर और रिवर्स का एनसी इधर, ये हमें ध्यान रखना है।
अगर हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन हो गया, अब ये ऑन नहीं हो सकता। अगर ये ऑन हो गया तो ये नहीं होगा। कब होगा? स्टॉप बटन एक बार दबाओगे तब। स्टॉप बटन दबा दो तो गिर जाएगा, तब होगा। तो फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्ट के कनेक्शन मैंने बना दिए। अब वायरिंग करो फटाफट फॉरवर्ड रिवर्स। पावर वायरिंग, पावर सर्किट को कनेक्शन देना नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे वायरिंग आपने करनी कंट्रोल की, ठीक है ना। अब आप लोग बना लो इसको। दो बटन है ना, इस बटन इसमें क्या नंबर होता है? तीन और फॉरवर्ड का इसमें क्या हुआ? 13 और रिवर्स पे 11 और ए वन और इसमें भी 3 और 4 और ये 13 और 11 ए वन और इन दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्टर अगर ऑन होता है, दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो दोनों का हम क्या लेंगे? पैरेलल। बोलो, फॉरवर्ड का भी और दोनों के पैरेलल लेके और इससे हम टाइमर ऑन कराएंगे। क्या ऑन कराएंगे? अब देखो, दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। बोलो, फॉरवर्ड ऑन होता है तो भी टाइमर ऑन होगा, रिवर्स ऑन होता है तो भी टाइमर, और टाइमर के टाइमर ऑन फॉरवर्ड में भी होगा और रिवर्स में होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? टाइमर के एनसी से स्टार ऑन कराएंगे। क्या ऑन कराएंगे? स्टार। और टाइमर के एनओसी, अब जैसे ही टाइमर ऑन होगा साथ ही साथ स्टार ऑन, और 10 सेकंड बाद क्या होगा? स्टार ऑफ, डेल्टा। ये हमारा जो सर्किट है ये है कंट्रोल सर्किट। क्या है ये? कंट्रोल सर्किट वायर। मैं डायग्राम लिख लूं जो भी है। तो ये हमारा कंट्रोल सर्किट अभी बना रहे हैं, कंट्रोल सर्किट चल रहा है अभी, देखते हैं कंट्रोल। इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो वायरिंग में अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है ना। देखो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, रिवर्स, और ये अपना डेल्टा और स्टार और टाइम, ठीक है। चालू करो जरा इसको, पहले फॉरवर्ड में चलाओ। तो फॉरवर्ड में चलाओगे? हाँ चलाओ, स्टार में चल रही है अभी, स्टार में। डेल्टा में कन्वर्ट हो गए, अब इसे बंद कर दो। अभी देखो डायरेक्शन देख लो आप, इधर आ रही है ना, अभी रिवर्स में चलाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखो आपने, अब रिवर्स में चलाओ, ठीक है ना। पहले स्टार में, डेल्टा में, ठीक है। अब इसको बंद करो, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज है ना। तो ये कॉन्टैक्टर्स है, तो फॉरवर्ड में चलाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ये होगा साथ में, टाइमर के बाद फ्री होगा। देखो ये इधर, यहाँ इधर लाना है ना, फॉरवर्ड का हुआ ना, अभी डेल्टा हो गया। अब मैं बंद कर दूं उसको, अब रिवर्स में करेंगे तो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ये रिवर्स वाला है ना। तो इस तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड का, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और मोटर का कनेक्शन, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट और वायरिंग,
ये कंपनी इसके अंदर कवर किया है हमने, जिसमें प्रैक्टिकल स्टूडेंटों ने ही किया है। क्या नाम है आपका? और आपका? माइंड। तो ये प्रैक्टिकल जो है ना, स्टूडेंट अपने हिसाब से करते हैं। बाकी लैब आपको मैंने पहले दिखाई दी है, दो मिनट आपको रिव्यू कर देता हूँ। ये स्टूडेंट ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या था आपका, क्या कलर? मिसुबिशी पीएलसी का पावर पैक चल रही है मशीन मोटर। अभी इसी पीएलसी को कर रहे हो ना? अच्छा, उसको कर रहे हो, ठीक है। ये अभी स्टूडेंट जो है ना, देखो बी एम पी सर्वो स्टेपर ये स्टेशन लगे हुए हैं। बाकी ये इधर पीएलसी की वायरिंग चल रही है। तो यहाँ पे पैनल बनाने का काम भी, पैनल पूरा बना के आरएनसी करके पीएलसी करके पूरे प्रैक्टिकल ये स्टूडेंट अपना करते हैं, ठीक है ना? कि हमारे क्लासेस हैं, इसमें पीएलसी बीएफडी सर्वो स्टेपर एचएमआई स्काडा सीएलसी मेंटेनेंस हाइड्रोलिक हर चीज, बेसिक इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डीजी ड्रायर कंप्रेसर मशीन के पैनल्स, कुछ भी हो, एसपीएम हो, कुछ भी हो, लिफ्ट हो, कुछ भी हो, कन्वेयर, तो सबका पूरा प्रोजेक्ट कुछ भी आप दे सकते हैं, उसको हम तैयार भी कराते हैं। हमारे कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कराते हैं। तो किसी के पास प्रोजेक्ट है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। केवल हमारे चार्ज होते हैं ट्रेनिंग के, जो चार्ज है वही चार्ज होते हैं। अब कितना ट्रेनिंग पार्ट हमारा मेन है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से ज़्यादा आप मान लो बड़ा पैनल कोई भी आपने ले लिया, प्रोजेक्ट है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो ट्रेनिंग वाला सेक्शन है, जो फीस है उतनी फीस हम लेंगे, उससे ज़्यादा पेमेंट हम किसी से चार्ज नहीं करते, ठीक है ना? तो कोई भी प्रोजेक्ट और ब्रांच कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ब्रांच का कैंडिडेट हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक, हमें कोई लेना देना नहीं। बोलो, हमारा तो अपने हिसाब से तैयार करते कैंडिडेट। डिप्लोमा बीटेक आईटीआई नहीं भी हो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जिसके अंदर सोचो आगे बढ़ना है वो हमारे पास आ गए। अब जिसने कहा वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये भी नहीं पता, वो बता देंगे। बोलो, आज जैसे बताया था आपको कि हीटर कैसे बनता है ना, रेजिस्टेंस वायर क्या होते हैं, लाइट कैसे बनती है, लाइट के साथ रेजिस्टेंस वायर के साथ आपको किसी को बेसिक इलेक्ट्रिकल भी नहीं पता, बस बता दो। अब भाई कोई नहीं बताए तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन बता दो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेज हमारे ज़्यादा नहीं है, केवल 5,000 रुपये में पीएलसी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अगर आप 7 पीएलसी लेते हैं, साथ में बीएफडी सर्वो स्टेपर स्काडा एचएमआई सब लेते हैं, तो 7,000 आपका लगेगा। साथ में की पीएलसी में आपका डेटा मिसुबिशी सीमेंस ओमरोन एनरवेली पानी स्नेडर, ये साथ में की पीएलसी, साथ में बीएफडी सर्वो वगैरह सब मिलेगा, केवल 7,000 का। और 1,000 रुपये और देते हैं तो सीएलसी मैगनेस हाइड्रोलिक आ जाता है। बाकी विशाल सर से बात कर सकते हैं, चार्जेस का कोई ऐसा नहीं है, रहना हमारे यहाँ फ्री है ही।